नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जो हरियाणा जीके की क्विज और मॉक टेस्ट की सीरीज चली हुई उसका पार्ट नंबर 20 और आपके जो दिसंबर के महीने में एग्जाम है स्टाफ नर्स का और ग्राम सचिव का, उसी को ध्यान में रखते हुए सीरीज स्टार्ट की गई है। जो 19 वीडियो हैं हमारी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ प्ले लिस्ट बनी हुई है, उनको देखिए और अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। स्पेशली हरियाणा जीके की मैं बात कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है जी, हरियाणा का जो सूरजकुंड मेला हुआ है 2020 के अंदर, ये फरीदाबाद के सूरजकुंड के अंदर लगता है, वो कौन से नंबर का था? क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। ये हमारा 34वां अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला था। तो हरियाणा के 34वें अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में सहभागी देश कौन सा था? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी उज्बेकिस्तान है। तो अगर मैं बात करूं 2020 के अंदर 1 फरवरी से 16 फरवरी 2020 तक ये लगा 34वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला था और इसमें जो सहभागी देश वो हमारा उज्बेकिस्तान। अच्छा, ये जो सूरजकुंड मेला होता है हर बार की एक टैगलाइन होती है, तो जो 34वां सूरजकुंड मेला था हमारा 2020 में हुआ, इसकी टैगलाइन क्या थी? कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है जी हमारा, हरियाणा के 34वें अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में सहभागी राज्य कौन सा था? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो अगर मैं बात करूँ सहभागी राज्य की, तो हिमाचल प्रदेश हमारा सहभागी राज्य था। देश उज्बेकिस्तान, राज्य हिमाचल प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। राजा हर्षवर्धन के पुत्र कौन थे? कृष्णवर्धन, प्रभाकरवर्धन, राज्यवर्धन या फिर चंद्रवर्धन। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है, राजा हर्षवर्धन के जो पुत्र थे वो थे हमारे प्रभाकरवर्धन। इसका सही आंसर है। 580 ईस्वी में पुष्यभूति वंश के सबसे शक्तिशाली शासक प्रभाकरवर्धन का राज्याभिषेक हुआ था। इन्होंने जो शासन किया वो 580 ईस्वी से 605 ईस्वी तक किया था, ठीक है। उसके बाद आगे अगर मैं बढ़ूं तो 605 ईस्वी में जो है प्रभाकरवर्धन की मृत्यु हो गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है वो भी देख लेते हैं। निम्न में से कौन हरियाणा केसरी के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन है पंडित दीनदयाल शर्मा, पंडित श्रीराम शर्मा, पंडित नेकीराम शर्मा, पंडित भगवत दयाल शर्मा। तो फ्रेंड्स, हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेकीराम शर्मा को जाना जाता है। पंडित नेकीराम शर्मा को वहाँ पे हरियाणा केसरी के नाम से जानते हैं। भट्ट भारती, सत्याग्रही प्रहलाद, मीरा मतवाली और सतसई किसकी कृतियाँ हैं? तुलसीदास शर्मा दिनेश, श्रीराम शर्मा, खुशीराम शर्मा, दीनदयाल शर्मा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है तुलसीदास शर्मा दिनेश की ये हमारी क्या है कृतियाँ हैं, रचनाएं हैं। कौन कौन सी? भट्ट भारती, सत्याग्रही प्रहलाद, मीरा मतवाली और सतसई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। तुलसीदास शर्मा दिनेश का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? ऑप्शन ए है हमारा भिवानी, ऑप्शन बी है हमारा झज्जर, ऑप्शन सी है हमारा सिरसा और ऑप्शन डी है हमारा हिसार। तो फ्रेंड्स, जो हमारे तुलसीदास शर्मा दिनेश थे उनका जन्म हरियाणा के भिवानी जिले में हुआ था। क्या आंसर है इसका? भिवानी। तुलसीदास शर्मा का जन्म भिवानी जिले में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हरियाणा के किस जिले में चने की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है? भिवानी, रेवाड़ी, सिरसा, हिसार। तो चने की अगर मैं बात करूं, चना हरियाणा के भिवानी जिले में सबसे ज़्यादा होता है। किस जिले में? भिवानी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। जिस भाई ने वो पिछली 18-19 वीडियो देखी है उसको पता है। तो 1985 ईस्वी में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई और इसकी स्थापना हिसार में हुई। एक बार जितने भाई भी वीडियो को देख रहे शेयर करते चले चीज़ों को, तभी मजा आएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा में से नहीं बहती? घग्गर, यमुना, गोमती, इंदौरी। तो फ्रेंड्स, जो इंदौरी नदी है कौन सी? इंदौरी को क्या है, इंदौरी हरियाणा से ही बहती है और यह नदी मेवात के नूह के निकट इंदौर नामक गांव के पास से मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। इंदौरी नदी कहाँ से निकलती है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। मेवात यानी कि नूह के निकट एक गांव है छोटा सा इंदौर, उसके पास से मेवात की पहाड़ियाँ, वहाँ से इंदौरी नदी निकलती है। ठीक है, और यह जो नदी है गुड़गांव जिले के पटौदी रेलवे स्टेशन के पास साहिबी नदी में जाकर मिल जाती। तो इंदौरी नदी भी हरियाणा की है, घग्गर भी, यमुना भी। और अगर मैं बात करूं गोमती, गोमती नदी क्या है, ये उत्तर प्रदेश की नदी है, तो हरियाणा की नदी नहीं है गोमती, क्योंकि गोमती नदी क्या पीलीभीत से निकलकर गाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती, यूपी लखनऊ के अंदर ये बहती है। तो ये गोमती इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है राजा, राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था किस राजवंश से थे? पुष्यभूति राजवंश, उसके अलावा चालुक्य, उसके अलावा पल्लव, उसके अलावा है आपका कदम्ब। तो फ्रेंड्स उससे पहले मैं आपको एक प्रश्न और बताना चाहूँगा, इस प्रश्न का आंसर बताने से पहले तब तक आप सोच सकते हैं। भिंडावास या खपड़वास अगर आ जाए, दोनों ही हमारे जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं वो हमारे कहाँ पर स्थित हैं? झज्जर के अंदर स्थित हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने इस प्रश्न पर कि भाई राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था किस राजवंश से संबंध रखते थे? तो फ्रेंड्स से जो राजा पुलकेशिन द्वितीय थे वो हमारे चालुक्य जो हमारा राजवंश था, राजा पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश से संबंध रखते थे, जिसने हर्ष को जो है नर्मदा तटी नदी के तट पर पराजित किया था। 634 से 635 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को चालुक्य ने पराजित किया था। ठीक है, नाम था राजा पुलकेशिन द्वितीय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। निम्न में से कौन हरियाणा के गांधी कहलाते हैं? दादा भाई नौरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले और मूलचंद जैन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है मूलचंद जैन। और असहयोग आंदोलन को हरियाणा में किस नाम से जाना जाता था? गांधी की आंधी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक वन आच्छादन है? कहने का मतलब है कि भाई हरियाणा के किस ज़िले में सबसे ज़्यादा वन हैं? कुरुक्षेत्र, पंचकूला, करनाल और फरीदाबाद। तो हरियाणा के पंचकूला ज़िले में सबसे ज़्यादा हमारे क्या हैं, वन पाए जाते हैं। मोरनी पंचकूला के अंतर्गत आता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और कालका भी हमारा पंचकूला ज़िले में आता है। अगर गुरुद्वारा मंजी साहिब पूछ लिया जाए तो ये कैथल के अंदर है, और कैथल को गुरुद्वारों का शहर भी कहा जाता है। बाबा शाह कलाम की मज़ार, ईटों की बावड़ी, अरनोली का टीला, ये सारे हमारे कैथल ज़िले के अंदर स्थित। और हरियाणा की कौन सी भैंस की जो नस्ल है वो सबसे अधिक प्रसिद्ध है? वो मुर्रा है। ठीक है, इसी बीच अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। निर्देशक अरविंद स्वामी कौन है? निर्देशक अरविंद स्वामी हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? रोहतक, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है, अरविंद स्वामी हमारे रोहतक से संबंध रखते हैं। इसके अलावा रोहतक से अशोक गई, सुभाष गई, दोनों भाई निर्माता निर्देशक रोहतक से हैं। केपी कौशिक भी रोहतक से हैं। इसके अलावा रणदीप हुड्डा जी रोहतक से हैं। अश्वनी चौधरी भी रोहतक से हैं। अच्छा जी, अरविंद स्वामी जी भी रोहतक से हैं। जसविंदर नरूला भी रोहतक से हैं। पूजा बत्रा भी रोहतक से हैं। ये हमारे कोई अभिनय से है, कोई निर्माता है, कोई निर्देशक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। रोहतक के बहुत ज़्यादा मनोज कुमार जी भी, ये भी हमारे रोहतक से हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न, यमुना की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? यमुना की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? यमुना की सहायक नदियाँ एक तो है जी ऑप्शन पथराला, दूसरा है सोमबा, तीसरा है बूढ़ी, डी है ये सभी। तो पथराला, सोमबा, बूढ़ी, ये तीनों ही हमारी यमुना की सहायक नदियाँ, तो ये सभी इसका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। किस इतिहासकार के अनुसार हरियाणा का उद्भव आर्यन से हुआ है? एसी दास, और के मुखर्जी, डॉक्टर HR गुप्ता, DN झा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है जो डॉक्टर HR गुप्ता हैं। कौन है? डॉक्टर HR गुप्ता के अनुसार हरियाणा का उद्भव आर्यन से हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगर ये आज जनवरी में कौन सा त्यौहार हरियाणा में मनाया जाता है? तो लोहड़ी ऐसा त्यौहार है जो हरियाणा में जनवरी के महीने में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। वह नृत्य जिसमें हरियाणा में महिलाओं का चरित्र पुरुषों के द्वारा निभाया जाता है? लूर नृत्य, फाग नृत्य, गूगा नृत्य, सांग नृत्य। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सांग नृत्य। सांग में क्या होता है, महिलाओं का जो रोल है वो किसके द्वारा निभाया जाता है, जो चरित्र है वो पुरुषों के द्वारा निभाया जाता है। अगर ये आ जाए कि भाई शीशे वाली मस्जिद हरियाणा में कहाँ स्थित है, वो रोहतक के अंदर स्थित है। प्रसिद्ध सोरा मार्केट एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है, ये भी हमारी रोहतक के अंदर स्थित है। हरियाणा में तीर्थ दर्शन योजना किसके लिए है, ऑप्शन ए बेरोजगार युवा, ऑप्शन बी वरिष्ठ नागरिक, ऑप्शन सी है हमारा निराश्रित महिला, ऑप्शन डी है पूर्व सैनिक। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर वरिष्ठ नागरिक। तो जो बुजुर्ग लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और वो बीपीएल परिवार से संबंध रखते हैं, उनको घुमाने का जो खर्च है वो हरियाणा सरकार उठाएगी। अगर साक्षी मलिक की मैं बात करूँ, रोहतक के मोखरा से संबंध रखती हैं और इन्होंने कांस्य पदक रियो ओलंपिक 2016 में जीता था। अगला प्रश्न है, रघुवंश और कुमार संभव किसकी कृतियाँ हैं, चाणक्य, तुलसीदास, कालिदास, वाल्मीकि। तो फ्रेंड्स जो रघुवंश और कुमार संभव हैं, ये हमारी कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं या फिर कह सकते हैं आप कृतियाँ भी हैं। पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न इसको लेकर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है, युद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखी गई, खुशीराम शर्मा, अनुपम आफताब, उदय भानु हंस, लीलाधर दुखी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है खुशीराम शर्मा। युद्ध चरित्र, भाई जो खुशी, इसकी ट्रिक आपको बता देता हूँ। युद्ध चरित्र तो खुशी क्या है, खुशीराम शर्मा युद्ध करके खुश रहते हैं, तो खुशीराम शर्मा ने युद्ध चरित्र की रचना की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन है। देखिए सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया पंचकूला में है, सबसे कम कहाँ पर है, पंचकूला, फरीदाबाद, पलवल, भिवानी। तो सबसे कम पलवल के अंदर वन है और सबसे कम एजुकेशन रेशियो भी हमारा पलवल के अंदर स्थित है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं, हरियाणा का कौन सा जिला कपास व्यापार का केंद्र है, हरियाणा का कौन सा जिला कपास व्यापार का केंद्र है। ऑप्शन ए है हमारा सिरसा, बी है आपका पलवल, सी है रोहतक, डी है हिसार। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिला छोटी काशी कौन सा कहलाता है, हरियाणा की छोटी काशी किसे कहते हैं, कैथल को हरियाणा की छोटी काशी कहते हैं। इसी प्रकार हम अपने इस प्रश्न पर आ जाते हैं। देखिए कपास का व्यापार केंद्र हरियाणा के अंदर सिरसा जिला माना जाता है। कौन सा जिला, सिरसा। सिरसा में जो है कपास सबसे ज़्यादा होती है, 33.53% कपास का उत्पादन हरियाणा के कुल कपास का सिरसा जिले में होता। अगला प्रश्न है, हरियाणा में मंगल नगर विकास योजना, हरियाणा में मंगल नगर विकास योजना किस क्षेत्र के विकास की एक योजना है। ऑप्शन ए ग्रामीण, ऑप्शन बी जनजातीय, ऑप्शन सी पर्वतीय, ऑप्शन डी शहरी। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और बताना चाहूँगा। कुरुक्षेत्र का जो प्राचीन नाम है वो शर्यणव्रत है, सोनीपत का स्वर्णप्रस्थ है और भारत में सिपाही विद्रोह 1857 की क्रांति को कहा जाता है, जिसकी शुरुआत अम्बाला 10 मई को हो गई थी। और हरियाणा में मंगल नगर विकास योजना का संबंध शहरी क्षेत्रों के विकास करने से है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न, कालिदास ने लिखी थी महाभारत, हरिश्चरित्र, रघुवंश और रामायण। तो कालिदास ने क्या लिखी थी, रघुवंश लिखी थी। रघुवंश किसने लिखी थी जी, रघुवंश कालिदास ने लिखी थी। ये बहुत ही अहम प्रश्न। श्री विष्णु प्रभाकर क्या थे, खिलाड़ी, हिंदी लेखक, राजनीतिक, नृतक। तो विष्णु प्रभाकर क्या थे, हिंदी लेखक थे। विष्णु प्रभाकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी लेखक थे। अगला प्रश्न है, जसवंत सिंह तोहनवी ने हरियाणा में अंशदान किया है, काव्य में के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, रंगमंच के क्षेत्र में। तो जसवंत सिंह तोहनवी ने हरियाणा में रंगमंच के क्षेत्र में जो है अपना योगदान दिया है। तो फ्रेंड्स ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये 20th हमारी जो सीरीज़ की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाने से पहले फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि चीज़ों को शेयर करें। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।